आलू बुखारा पुलम। हेलो फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो है आलू बुखारा पुलम पे। वर्तमान में जो है पुलम सेट होने लगा है, जो फूल है वो फल में बदलाव होने लग गया है। तो अभी उत्तराखंड में जो है बारिश हो रही है, तो इस समय जो है बारिश की वजह से भी जो है बीमारियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो आज हमने अपने बगीचे में देखा कि उसमें कोई रोग तो नहीं फैला है। तो आइए जानते हैं कि अभी वर्तमान में कौन से रोग जो है हमारे आलू बुखारा यानी पुलम को प्रभावित कर रहे हैं। तो पुलम पे क्या बीमारी लगी है, उसके निराकरण के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे और वीडियो शेयर करें। तो वर्तमान में जो बीमारी आ रही है उस पर आप जो है क्या स्प्रे करनी है, उस पर कार्य क्या करने हैं, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले ये देखिए, आपने देखा होगा पत्ता मूड़क लीफ कर्न, तो ये फैल रहा है धीरे धीरे। तो ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाता रहेगा, तो उसकी रोकथाम हमें कैसी करनी है, तो उसके बारे में आज हम बताएंगे। अगर आप इस पे स्प्रे करना चाहते हो तो बोरोगोल्ड की भी आप इस पे स्प्रे कर सकते हो। ये देखिए हमारा फल सेट हो चुका है, लेकिन उस पे बीमारी आने लग गई है, तो हमें इसे रोकथाम करना है। तो क्या करें ऐसा कि हमारे पूरे बगीचा जो है रोग मुक्त हो सके, रोग जो ग्रस्त पेड़ हैं वो दूर हो सके। सबसे पहले हमें इस पे कार्य ये करना है कि हमें ये पत्तियाँ अपने बाग बगीचे से बाहर करनी है। जहाँ तक ये बीमारी फैले उनकी पत्तियाँ आप तोड़ लीजिए, चाहे आप टहनी कट कर लीजिए, अगर छोटी रहनी तो कट कर लीजिए, अगर पुरानी शाखा है उसको फल आ रखा है तो आप खाली पत्ते कीजिए, क्योंकि हमें फसल में भी नुकसान नहीं आना चाहिए, हमें ऐसा करना है। तो अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आप देखना कि 2-3 दिन या हफ्ता भर बाद कि आपके पेड़ में क्या स्थिति आ रही है। अगर पेड़ में स्थिति ठीक है या अन्य शाखाओं पर है, तो उसके लिए आप स्प्रे कौन सी करोगे ये जान लीजिए। स्प्रे हमें करनी है सिस्टमेटिक फंगिसाइड, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, और दूसरी स्प्रे है इसमें मिक्सर मिलाना है क्लोरोथेनेलिकल 75% WP, ये घुलनशील पाउडर के रूप में है दोनों। तो हमें इन दोनों का मिक्सर बना के स्प्रे करनी है, फुहारा नुमा स्प्रे कीजिएगा। और हम जब हम इसका स्प्रे कर लेते हैं इन दोनों का, तो हमें देखना है कि 10 से 15 दिन के अंतराल दूसरी स्प्रे कर लेनी है। अगर पत्ता मोड़क कंट्रोल में आ रहा है तो इसी अनुपात को कीजिएगा। अगर हमारा पत्ता मोड़क कंट्रोल नहीं आ पा रहा है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा लीजिएगा, अपने पेड़ पे जो हिसाब से रोग हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरा ज़्यादा है तो किस हिसाब से बढ़ाएं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा सारा पत्ता मोड़क जो है फैला पड़ा है, और इस पर आप जो है पत्ता मोड़क जब पेड़ पर आ जाता है तो ये उसके फल को भी प्रभावित करता है, क्योंकि जब पत्ते ही खराब हो जाएंगे तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे और अपने लिए भोजन नहीं बना पाएंगे, तो उसका असर सीधे सीधे हमारी फसल पर पड़ेगा, तो हमें वहाँ से भी नुकसान है, फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। तो हमें फसल अच्छी लेनी है तो हमें अपने पौधों को देख रेख जरूरी है देखना, ठीक है। और हम इसमें जो है घरेलू उपचार के लिए जो है, अगर आपको ये दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है तो आप इसमें लाइन सल्फर की भी स्प्रे कर सकते हैं। लाइन सल्फर बहुत अच्छी दवा है, तो आप पत्ता मोड़क में लाइन सल्फर की स्प्रे कीजिए। अगर आपका जो है आपको ये दवाई नहीं मिलती है सिस्टमेटिक फंगिसाइड और क्रोलोथेनेलिकल 75% WP अगर नहीं मिलती है, तो आप लाइन सल्फर की भी स्प्रे इसमें कर सकते हैं। तो हमें कमेंट करें कि
कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आपके बगीचे में अगर पत्ता मोड़क बीमारी फैली है तो आपने स्प्रे की तो उसके बाद की स्थिति कैसी रही, या आपने लाइन सल्फर की है तो उसके बाद स्थिति कैसी रही, ये हमें कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी अन्य किसान या बाग बगीचे जो भी हमारे साथी हैं उन तक पहुँच सके, वो भी इसका फ़ायदा ले सके और उनका भी जो है नुकसान ना हो, क्योंकि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी तो हमें फल उत्पादन में हमें नुकसान होगा। तो हम उसे देखते हुए अपने बाग बगीचे में एक बार चेक कर लीजिएगा, और अगर बीमारी है तो आप स्प्रे जरूर कीजिए, लाइन सल्फर की कीजिए, बोरोगोल्ड कीजिए, सिस्टमेटिक फंगिसाइड और क्रोलोथेनेलिकल 75% WP की करें, किसी की भी कीजिए लेकिन आप कीजिएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शेयर जरूर करें।